बहुत सस्ते में रेट में मिला है यार। सीरियसली मैं मिंत्रा में चेक किया, 2500 से कम में नहीं मिल रहा है ऐसा रेट। एक लस्सी देना। ओके सो आपको पता है मैं कुतुब मीनार क्यों आया हूँ कि जो कुतुब मीनार है उस पे आपको गणेश भगवान और भगवानों की मूर्ति मिलेगी या फोटोज मिलेंगी। तो लेट्स सी वो उस बात में कितनी सच्चाई है वो देखते हैं। इन्वेजन हुए हैं या जो भी टर्किश इन्वेजन हुए इंडिया में। और एक चीज़ आपको ऐसी दिखाने वाला हूँ अभी ना, आपका दिमाग उड़ जाएगा। ओके सो हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। माय नेम इज अक्षत एंड यू वाचिंग हैप्पी लाइफ। आज है दिल्ली में पहला दिन। पहले दिन के मतलब इसके बाद पुणे ही जाना है। तीन चीज़ें बची थी, मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था, धर्मशाला से दिल्ली आया था जब मैं, उसमें बोला था कि कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल और रेड फोर्ट के अंदर नहीं गया हूँ अभी तक। तो ये तीनों कवर करने की कोशिश करेंगे। और मेरे को क्लॉथ मार्केट जाना है जो कि है चांदनी चौक में, और चांदनी चौक में ही हॉस्टल है और जस्ट नीचे इसके मेट्रो स्टेशन है। पूरे दिल्ली से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है अगर आप मेट्रो स्टेशन के पास कहीं भी रहोगे ना। वैसे मन तो बिल्कुल नहीं है इस ब्लॉग करने का, बट ठीक है ट्राई करूंगा थोड़ा बहुत जितना भी होगा। ये ब्लॉग मैं पुणे में जाके खत्म करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं, कुछ खाते हैं चल के। ऑलरेडी 2:30 बज चुके हैं। पहले रेड फोर्ट चलते हैं चांदनी चौक, वहीं कुछ खा पी लेंगे और फिर क्लॉथ मार्केट वगैरह घूमेंगे, लोटस टेम्पल और कुतुब मीनार। सो लेट्स गो। एंड करेंटली इस प्रॉपर्टी में रुका हूँ मैं, जिसका नाम है गो स्टॉप्स। मैंने लास्ट में बताया था दिस इज द लाइक कॉमन एरिया, लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। सो एज यू कैन सी द इंटीरियर काफ़ी सही है इसका। ये हॉस्टल है बताओ, 500 रुपये का बेड आपको यहाँ पे मिल जाएगा दिन का। दी कॉमन एरिया ऑफ स्पेस। सो दिस इज द कॉमन एरिया, नाइस, लेट्स गो। सो दिस इज द गो स्टॉप्स और ये है सामने मेट्रो स्टेशन। तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है पूरी दिल्ली में घूमने के लिए। सर अभी तो 2:30 बज रहे हैं, नहीं मेट्रो इधर से आएगी। और पूरा जो ब्लॉग है आईफोन 13 प्रो मैक्स में करूँगा मैं। लेट्स वेट फॉर द मेट्रो टू कम। तो इस बार भी ऐसा लग रहा है कि रेड फोर्ट के अंदर नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मेरी किस्मत इतनी ख़राब है। मंडे था आज और मंडे के दिन रेड फोर्ट बंद रहता है। तो कभी भी आप जाओ रेड फोर्ट घूमने, मंडे को मत जाना, इट्स क्लोज्ड। चलते हैं चांदनी चौक, कुछ खाते हैं। मुझे इतनी ख़राब किस्मत है कि मंडे के दिन आए हो, मंडे के दिन लाल किला बंद है। चलो यहाँ पर ले लिया अपन ने, क्या बोलते हैं कचौरी, खाते हैं इसको, निकलते हैं फिर आगे। भाई कचौरी खा ली है, मिर्ची लग गई, अब छोले भटूरे खाइए। ये सामने देख सकते हो गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा, चांदनी चौक का फेमस। तो यहाँ भी आप आ सकते हो। एंड बाय द वे चांदनी चौक का एक पूरा अलग सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे है खाने वाला, वो नहीं देखा है तो भाई हर जगह पे मैंने जो भी यहाँ चांदनी चौक का बेस्ट फूड है वो खिलाया हुआ है, बताया हुआ है, तो वो इस वीडियो ज़रूर देखना। आगे बढ़ते तो भाई रस्ते में मैंने देखा बहुत सारे लोग छोले भटूरे खा रहे थे, मैं भी जाके खड़ा हो गया लाइन में। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इसका छोले भटूरे मैंने लिए 90 रुपीज़ का, इतना ज़्यादा सही टेस्ट था, कांट टेल यू भाई, मज़ा आ गया। कहीं भी जाओ कन्वर्जी ये करके पराठे वाले गली के जस्ट बाहर ही ये शॉप है, बहुत अच्छे छोले भटूरे हैं इसके भाई। सच्ची बोलता हूँ क्या छोले भटूरे थे, एक नंबर। अब यहाँ पीछे मैं लेमन सोडा पीऊँगा, लेट्स हैव सम लेमन सोडा। तो छोले भटूरे ज़रूर खाना यार, एक नंबर। फिर छोले भटूरे खाने के बाद मेरे को चाहिए था कुछ तो भी सोडा जैसा, पेट को ठंडा करना था, तो मैंने जस्ट आगे बढ़ के ये वेद प्रकाश जी के लेमन सोडा पिया, बहुत अच्छा है। बहुत पुरानी शॉप है ये, बहुत अच्छी है, आप ब्लॉग देखना मेरा चांदनी चौक वाला, उसमें पूरा बताया हुआ है मैंने। तो भाई लेमन सोडा पी के मैं निकल गया आगे क्लॉथ मार्केट के लिए। चांदनी चौक में आओ बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो आप, लड़कियों के लिए तो ये जगह भाई जन्नत है, लहंगे और इतने सारे इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे करने के लिए, आप लिटरली घंटों यहाँ बिता सकते हैं, खा पी सकते हो, सब कर सकते हो यहाँ पे। एक बार आगे चांदनी चौक खत्म हो गया है, वहाँ से यहाँ पे आगे आओगे आप तो यहाँ पे आपको ज्ञानी दी हट्टी दिखेगी और यहाँ पे मिलेगा काके दी हट्टी। ये दोनों जगह पे एक नंबर खाना मिलता है, आप आके खा सकते हो। बेहतरीन, दिस इज किंग ऑफ नान्स ऐसा बोलता है भाई खुद को, पर है भी यार बहुत सही है यहाँ का खाना। सो दिस राइट हियर इज द क्लॉथ मार्केट। थोक के भाव पे अपन कपड़े मिलेंगे आपको यहाँ पे, मुझे अच्छा कपड़ा मिलेगा तो मेरे कुर्ता सिलवाना है एक, लेट्स सी कपड़ा लेके जाऊँगा पुणे में सिलवा लूँगा। तो ये कपड़ा मैं ले रहा हूँ 65 रुपीज़ मीटर, ये तो आप दे दो आप 3 मीटर कम से कम है ना, बाकी का देख लेंगे अपन। तो ये वाला पसंद आया मुझे बट इसमें साइज़ नहीं है, सो आई एम बाइंग दिस वन। और रेट भी काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है यहाँ पे, एक सोचते हैं वाइट ले लेता हूँ बट दिस वंस लुक गुड, तो इसको फाइनल करते हैं। भैया के पास मस्त कलेक्शन, भैया शॉप का नाम क्या है? चलो तो ये ले लिया अपन ने, मस्त कुर्ता, बहुत सस्ते में रेट में मिला है यार। सीरियसली मैं मिंत्रा में चेक किया, 2500 से कम में नहीं मिल रहा है ऐसा रेट। एंड दिस इज़ द क्लॉथ मार्केट, हाईली सजेस्टेड, वहाँ पे आओ, वंशिका करके एक लास्ट शॉप है। सही है सही है, अब चलते हैं लोटस टेम्पल या फिर कुतुब मीनार।
तो कुतुब मीनार जाने के लिए मैंने चांदनी चौक से अपनी मेट्रो ले ली और मेट्रो में बैठने के बाद ही मैंने ऑनलाइन कुतुब मीनार के लिए टिकट कर ली। जो टिकट का प्राइस है वो 35 रुपीज़। ऑनलाइन आपको टिकट कर लो, एक बारकोड जनरेट होता है, वो बारकोड आपको कुतुब मीनार के गेट पे दिखाना पड़ता है, तो ये बात ध्यान रखें। सिर्फ 35 रुपीज़ लगते हैं, बहुत चीप है। तो ये कुतुब मीनार पहुँच चुका हूँ मैं, और एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे देखनी थी, आप पहले पढ़ लो ये है ना क्या लिखा है यहाँ पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कुतुब मीनार। ओके, सो आपको पता है मैं कुतुब मीनार क्यों आया हूँ? मैंने ना बहुत सारे रील्स और ऐसे YouTube शॉर्ट्स एंड YouTube वीडियोस में देखा था कि जो कुतुब मीनार है, ये जस्ट मेरे पीछे कुतुब मीनार है, ये बहुत सारे ऐसे मंदिरों के ऊपर बना है, और जो नीचे है इसमें जो रॉक्स हैं उस पर आपको गणेश भगवान और ऐसे भगवानों की मूर्ति मिलेगी या फोटोज़ मिलेंगी। तो लेट्स सी वो उस बात में कितनी सच्चाई है, वो देखते हैं। और ये है कुतुब मीनार जस्ट मेरे पीछे, आप देख ही सकते हो। तो चलते हैं उस साइड और देखते हैं कि सच में मीनारों में नीचे गणेश भगवान, हमें जो हिंदू भगवान है, उनकी फोटोज़ वगैरह हैं क्या। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा उर्दू या फिर अरबी में लिखा हुआ है, ये सारी जो चीज़ें लिखी हैं। देखते हैं मिलेगा कुछ ना कुछ, तो मिलेगा ये फील। यहाँ पे आप देखो आयरन पिलर लिखा हुआ है, 4th century AD, दिस इज स्ट्रीट कुतुब मीनार। एंड सो फार मुझे ना बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, मैं कैमरे में कैप्चर करता हूँ, वेट, पहले बहुत सारे एविडेंसेस इकट्ठा कर लूँ, उसके बाद आई विल। एंड द थिंग इज सो ट्रू। क्या आपको पता है कुतुब मीनार को ध्रुव स्तंभ बोला जाता है? छोटा सा गूगल सर्च करोगे आपको पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। तो ये है सामने, आप देखो कुतुब मीनार, और जस्ट यहाँ पे आप देखो ये पिलर्स। जो चीज़ें आप देख रहे हो यूट्यूब में ना, वो सच है कि ये जो कुतुब मीनार है, इट्स डेफिनेटली यहाँ पे कुछ हुआ करता था पहले, जिसके ऊपर ये मीनार वगैरह ये पूरा जो बना हुआ है। सो दैट्स कम्प्लीटली ट्रू। और आपको दिखाता हूँ आगे, तो मैं ये तो स्टार्टिंग है गाइस, मुझे खुद यकीन नहीं था, बट अभी देखो। मेरे को खुद बताओ, जो मैंने अभी आपको चीज़ें दिखाई हैं वैसी चीज़ें इस्लाम में नहीं होती। सो मैंने बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे वीडियोस देखे थे, एंड फाइनली ये चीज़ अभी यहाँ पे आके सच सी लग रही है कि डेफिनेटली यहाँ पे कुछ और था पहले, जिसके ऊपर ये जो पूरा लैंड है यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुतुब मीनार बाद में बने। सो भाई ये जितने भी इन्वेजन हुए हैं या जो भी टर्किश इन्वेजन हुए इंडिया में, उसी का आपको थोड़ा बहुत चीज़ें यहाँ पे अभी भी मिलेंगी। मैं आपको और दिखाता हूँ चीज़ें, अभी रुको मैं थोड़ा घूमता हूँ आसपास। और पहले दरवाजे खुलते थे, अभी तो बंद हो गए सारे, ऊपर जाना आपको अलाउड था, अब नहीं जा सकते। ओके, सो आओ देखो, यहाँ भी देख लो, लो ये चीज़ें आपको एंशियंट आपको समझ में आए। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आप जो दीवारों पर देख रहे हो, कुछ बची कुछ ही चीज़ें, वो हाथी देख लो, वो ऊपर हाथी, हाथी बने हैं, घोड़े बने हैं, लोग आप खुद ही देख सकते हो सारी चीज़ें। आप कहीं पे भी जाओ मैं आपको ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, देख रहे हो। और एक चीज़ आपको ऐसी दिखाने वाला हूँ अभी ना, आपका दिमाग उड़ जाएगा। पिलर्स की बात कर रहा था मैं, राइट। ये देखो बुद्धा का स्टैच्यू, सो ट्रू। ये देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है क्या है सारी चीज़ें, आपको कहाँ पे साउथ के टेंपल्स में ऐसा देखने को मिलता है। डू आई रियली नीड टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स, समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या था यहाँ पे क्या नहीं था। भाई साहब देख लो, आप खुद ही देखो। ओके, तो बिल्कुल आओ आप देखने को, तो मीनार कोई दिक्कत नहीं है, बट एक अलग नज़रिए से, मतलब समझ रहे हो, जो कुतुब मीनार है ना, जो स्टोन्स में जो इंग्रेविंग है वो सारी चीज़ें, आई एम शॉक्ड, मुझे लगा नहीं था कि सच में ऐसा होगा, बट एक्चुअली ऐसा है। तो मुगल्स ने मिटाने की कोशिश तो बहुत ज़्यादा की, बट नहीं यार, जो हिस्ट्री है ना, मिटा नहीं सकते उसको, सच्ची नहीं मिटा सकते। ओह माय गॉड, दिखाऊं अभी आपको, ये देखो इन सारी चीज़ों को सही से प्रिजर्व किया जाता तो ये कितनी सही रहती, देख रहे हो यहाँ पे अगेन। तो जिस चीज़ के लिए मैं आया था वो चीज़ मैं ऐसे देख के जा रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है सच में। अगर खुदा ना आप यहाँ कुतुब मीनार, और ये कुतुब मीनार की जगह ना, इसके आजू बाजू की चीज़ें देखना, आपको पिक्चर थोड़ी सी ना, जो सीन था ना, वो क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या था यहाँ पे, क्या बन गया है, क्या बनाया गया, तो सब आपको समझ आएगा। क्या क्या जगह भाई यहाँ पे, क्या क्या होता था पता नहीं, भगवान जाने। डरावना भी है थोड़ा सच में, यहाँ पे भगवानों की फ़ोटो बनी है पत्थरों में, नहीं मतलब दुख होता है देख के यार, दुख होता है सच में। एंड सबसे ज़्यादा शौक मुझे इस बात का है कि यहाँ पे लोग, हज़ारों लोग, लाखों लोग यहाँ दिन भर आते हैं, और ये चीज़ कभी कोई रेज नहीं करता, लोग देख के जा रहे हैं लिटरली, वो फ़ोटो खींच के जा रहे हैं, सब करके जा रहे हैं, बट ये चीज़ रेज करना ज़रूरी है। अगर आपने कहीं पे कुछ बनाया है
तो पहले वहां पे क्या था, एटलीस्ट उसका कुछ तो लिखो भाई, कुछ भी लिखा तक नहीं है। सब कुछ जो अभी बन गया है उसके बारे में लिखा है, जो दिख रहा है उसके बारे में, मतलब लिटरली अब हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के बारे में फोटोज हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे स्कल्पचर्स बने हुए हैं, बट उसके बारे में लिखा कुछ भी नहीं है। दैट्स वेरी रॉन्ग आई फील। ये चीज़ करना चाहिए, अगर यहाँ पे जिसकी भी सरकार रहे, अभी केजरीवाल जी की सरकार है, जिसकी भी सरकार रहे यहाँ पे, वो चीज़ ये चीज़ करनी चाहिए, मतलब किसी को स्टेप लेना चाहिए सच में। हिस्ट्री बताना ज़रूरी है लोगों को, एक्चुअल क्या था यहाँ पे। चलो तो मैं चलता हूँ वापस, और मैं बोलूँगा कुतुब मीनार अच्छा है, आ सकते हो बिल्कुल आओ देखने, 35 रुपीज़ की टिकट है इसकी, बट प्लीज़ जो हिस्ट्री है वो पढ़ के आना, ठीक है? ऐसी नहीं आग बंद करके आ गए और जो दिख रहा है फ़ोटो खिंचवा ली और जाके तारीफ कर रहे हैं, नहीं, जो हिस्ट्री है उसको ध्यान रखो आप। फ्लाइट जा रही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, ये देखो आप, यहाँ पे घंटी बनी हुई है, जो हमारे मंदिरों में बेल होती है ना, जिसको घंटा बोलते हम लोग, वो बना हुआ है यहाँ पे। इस्लाम में घंटा बैन है। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक डाल रहा हूँ, वो जरूर देखना, और आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। वी कैन क्लियरली सी द बेल्स कार्ड ऑन ईच ऑफ द पिलर्स। बेल्स आर बैंड इन इस्लाम। एज पर इस्लामिक बेल्स आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेविल्स। इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जरूर देखना आप। और ये सारे आप देख सकते हो, मूर्ति वगैरह बहुत सारी है कुतुब मीनार में, आप खुद जाओगे तो आप देखना। तो बस यही था मेरा कुतुब मीनार का ट्रिप। अब मैं निकल गया राजेंद्र ढाबा कुछ खाने के लिए, बहुत ज़्यादा नाम सुना है। गूगल में इसके 50,000 रिव्यूज थे, तो मैंने बोला यहाँ पे खाना खा के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ खाया थोड़ा बहुत, और फिर मैं वापस निकल गया हॉस्टल के लिए। खाना तो भाई सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, ज़रूर एक बार ट्राई करना। सारी चीज़ें हैं, बटर चिकन और बटर पनीर, वो दोनों का सेम ग्रेवी रहता है, तो बहुत ज़्यादा फेमस है, आप ट्राई करना, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और लिटरली राजेंद्र ढाबा इतना बड़ा है कि इसने पूरा एम्पायर बना दिया है उस एरिया में जहाँ पे इसका ढाबा। दिस वाज राजेंद्र ढाबा। मस्त खा लिया खाना, आप जा रहे हैं हम रिटर्न, पनीर वगैरह जाना है रिटर्न, फ्लाइट पकड़नी, लेट्स गो। चलो तो हॉस्टल आके बढ़िया नहा लिया है। टाइम आपको दिखाऊं तो अभी हो रहा है 9:30। सुबह 4 बजे की फ़्लाइट है मेरी, और बट मुझे मेट्रो पकड़ के जाना है, तो मैं जल्दी निकलूँगा थोड़ा, क्योंकि मेट्रो 12 बजे तक ही चलती है। और ये बैग मैं पूरा खाली लेके आया था भाई, सच्ची बता रहा हूँ, यहाँ पे आके इतना ज़्यादा भर गया है। ये पाकिस्तान से जो शॉपिंग करी है अभी, फिर यहाँ से मैंने खूब शॉपिंग वगैरह कर ली भाई, फिर क्या बोलते हैं, मैक्लॉडगंज भक्सू में भी मैंने बहुत सामान ले लिया था। पूरा सीरीज़ नहीं देखा तो ज़रूर देखना, और ये इसकी जगह तक नहीं तो मेरे को उसको पहन के जाना पड़ रहा है। और ये जैकेट का भाई लिंक डाल दूंगा, बहुत ज़्यादा सही जैकेट है, क्वाबे की मैंने बुलवाई है, इंडियन ब्रांड है, बहुत सही है यार, आपने सुना नहीं होगा शायद से, बट ये जो पॉकेट है ना भाई, ये ब्लेसिंग है मेरे लिए, पूरी ट्रिप में ब्लेसिंग रही है। तो सारा पासपोर्ट, इनफैक्ट अभी भी पासपोर्ट मेरा इसी में रखा हुआ है, आप यकीन नहीं मानोगे, देखो मेरा पासपोर्ट अभी भी इसमें रखा हुआ है, माइक वगैरह सब, पर्स वगैरह सब इसी में रख लेता हूँ। सब चलते हैं सीधा एयरपोर्ट, देखता हूँ कितने बजे निकलूँगा। लास्ट जो मेट्रो है वो जाती है करीब 11:30 पे जाती है, तो मैं बस उसी टाइम पे निकल जाऊँगा यहाँ से, ताकि मेट्रो पकड़ सकूँ। सीधा मिलते हैं एयरपोर्ट पे। एंड बाय द वे, एक और चीज़ आपको एयरपोर्ट में, कल एक मैं ब्लॉग डालूंगा, जो आप देखना एयरपोर्ट का ब्लॉग है, डीजी यात्रा, जिन लोगों को नहीं यूज़ करते आता है भाई एयरपोर्ट में, वो चीज़ ना मतलब वरदान है, सच्ची बता रहा हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम आज ट्राई करने वाला हूँ। 5 मिनट में आपका कोई लाइन में नहीं लगना, कुछ नहीं करना, सीधे आप अंदर घुस जाओगे अपने गेट की तरफ। तो और एक और वीडियो डाला था मैंने, फर्स्ट फ्लाइट आपकी कैसे लें, तो उसमें ऐड कर दूंगा, आप देख लेना भाई, बहुत सही चीज़ है, उसका एक सेपरेट वीडियो डालूंगा। तो कुछ देर बाद मैं निकल गया एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट में मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे रील डाली है, यूट्यूब पे शॉर्ट डाला है कि आपको डीजी यात्रा ऐप कैसे यूज़ करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। बहुत अच्छा खाना मिला भाई फ़्लाइट में, मज़ा आ गया वो खाना खा के, और सीधा मैं पहुँच गया हूँ पुणे। अब आपको एक चीज़ बोलता हूँ, जो डीन जिसको स्कॉटलैंड में मैं मिला था, वो आने वाला है पुणे, तो ज़रूर मुझे बताना उसके साथ कहाँ कहाँ मैं घूम सकता हूँ, क्या क्या आप चाहते हो देखना, और नेक्स्ट वीडियो मेरे बाइक के साथ कहीं आने वाला है तो उसका भी ज़रूर वेट करना। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट व्लॉग अब मेरी बाइक में भी आने वाला है, ज़रूर वेट करना। बाय बाय।